नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म चतुर्वेदी है और आज मेरे इस वीडियो को शूट करने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि मैं अपने पूरे देश को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ और हम सब लोग इस बात को जानते हैं और इस बात से हम सब लोग सहमत भी करते हैं कि हमारा पूरा देश एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की महामारी के चपेट में फंसा हुआ है। आज आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने परिवार का ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने सब लोगों के साथ मिल करके एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है और वही हमें करना है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे के सपोर्टर बनने हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है। आज बहुत दुख है, बहुत ही तकलीफ़ है इस बात को कहते हुए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर COVID-19 का कहर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही बुरे तरीके से फैलता जा रहा है। मुंबई उसमें से एक है, यूपी भी है, एंड इसके अलावा हम दिल्ली की बात करते हैं। हर एक जगह पे ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी है, सही समय पे किसी भी इंसान को सही तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। आज हमारे देश में हालात ऐसे हो चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में हमारे पास जगह नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, पेशेंट्स को उनके घर पे ही क्वारंटीन किया जा रहा है, उनके घर पे ही रखा जा रहा है, वहीं पे ट्रीटमेंट देने का प्रयास हो रहा है। हर एक इंसान बहुत परेशान है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेक दिल डॉक्टर, बहुत सारे अलग अलग कर्मचारी, हर एक बैकग्राउंड के लोग इस बात से दुखी हैं और परेशान हैं। हर कोई अपने परिवार के साथ मिलकर खुश रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूँ कि अगर ज़रूरत नहीं है और अगर बाहर जाए बगैर काम चल सकता है तो बाहर मत जाइए, अपने घर पर रहिए। घर पर रहते हुए इस कोरोना से लड़ने की जंग को तेज़ी से आगे बढ़ाइए। आपके लिए, मेरे लिए कोई और सामने आने वाला नहीं है, सबसे पहले आपको अपने लिए आगे आना पड़ेगा। आज आप और मैं जो कर सकते हैं, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य वो यही होगा कि हम अपने आप को ठीक रखें, हम अपने आप को बीमार होने से बचाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा फीवर आने पर या सर दर्द होने पर पैनिक ना होइए, एकदम से हॉस्पिटल जाने का प्रयास मत करिए। अपने आप को समझाने का और कुछ नेचुरल सोर्सेस के कुछ काढ़े और कुछ लिक्विड पदार्थ को लेकर के, पेय पदार्थ को लेकर के अच्छे खाने का ध्यान दीजिए। हर एक इंसान इस बात को कह रहा है तो आपको ये मानना होगा। बीइंग ए हेल्थ कोच, मैं इस बात को जानता हूँ कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रोटीन, फाइबर और सही मात्रा का पानी पूरे दिन का हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसको करिए। इसके अलावा आधे घंटे का वर्कआउट डेली बेसिस पे करिए, आधे घंटे का एक्सरसाइज करिए, कुछ भी हो जाए लेकिन एक्सरसाइज को करिए। एक दूसरे को साहस दीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, एक दूसरे को खुश करने का प्रयास करिए, एक दूसरे की मदद करिए। खुद भी पैनिक ना होइए, किसी को भी पैनिक होने मत दीजिए। आपके अंदर ही कोरोना से लड़ने का बहुत बड़ा ताकत छिपा हुआ है। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के शक्ति को झजोरिए। समय से सोइए, समय से उठिए, अच्छे खाने का उपयोग करिए, सब कुछ अननेसेसरी बहुत सारा स्टोर करने का प्रयास मत करिए। बाहर जा करके बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, सब कुछ को फटाफट करके स्टोर कर रहे हैं, स्टॉप इमिडिएटली। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लीजिए। थोड़ा योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़े काढ़े का इस्तेमाल करिए, ल्यूकोम पानी का इस्तेमाल करिए, फ्रिज के पानी से बिल्कुल बचिएगा। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए ताकि आप और मैं इस महामारी के जंग में लड़ सकें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।